हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जॉब एनालिसिस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ये जो टॉपिक है गाइडेंस एंड काउंसलिंग में पढ़ाया जाता है। नाउ क्या क्या इसका मतलब है और क्या दोनों के बीच में रिलेशन है वो देखेंगे। सबसे पहले तो जॉब एनालिसिस क्या होता है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है और नहीं होगी तो मैं अपलोड कर दूंगी, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है। बट जॉब एनालिसिस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की। देखो, एक साइकोलॉजी नॉर्मल होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो आप बचपन से पढ़, मतलब जब से आपने बीएड स्टार्ट किया तब से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि जो एडल्ट्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, आप उनकी साइकोलॉजी के बेसिस पे चीज़ें चेंज करते हैं। कई बार लोग अपनी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं होते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी, तो ऑब्वियसली उनका जो आउटपुट है काम करने का वो अच्छा नहीं आएगा। सो यहाँ पे जॉब एनालिसिस और जॉब सेटिस्फैक्शन का क्या रिलेशन है वो हम अच्छे से देखें। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या प्रोसेस है। जॉब एनालिसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ जॉब। तो आप क्या करने वाले हो, आप इकट्ठा करने वाले हो इन्फॉर्मेशन जॉब को लेके, ठीक है। जहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब है इंडिविजुअल की पॉजिटिव या नेगेटिव इमोशनल स्टेट, ठीक है। फिर से देखिए, अगर हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस की, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी पर्सन की जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन, या किसी पर्सन की नहीं, बेसिकली आप किसी जॉब की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो एंड उसके बारे में उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें। लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है कि उस जॉब को करने में आपको कितना अच्छा लग रहा है और कितना बुरा लग रहा है। देखो, हर जॉब में अप्स एंड डाउन आते हैं, दैट इज फाइन, बट अगर आप कंटिन्यूअसली एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, दैट मीन्स यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर जॉब। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जॉब सेटिस्फैक्शन में, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले अब हम देखते हैं कि अगर हम एक जॉब एनालिसिस करते हैं तो उससे कैसे फर्क पड़ता है सीधे जॉब सेटिस्फैक्शन पे। पहला फैक्टर है, जॉब एनालिसिस कैन हेल्प आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जब आप जॉब एनालिसिस करोगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे, तो उससे आप कई ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऐसे फैक्टर्स का पता लगा सकते हो जो जॉब सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करे। By analyzing a job, an organization can identify the task, responsibilities and working condition. तो जॉब को एनालाइज करके एक ऑर्गेनाइजेशन टास्क आइडेंटिफाई कर सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई कर सकती है, वर्किंग कंडीशन की कैसी काम होगा वहां पे जो कि जॉब से रिलेटेड है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीजें आपकी किससे रिलेटेड है, जॉब सेटिस्फैक्शन से। So, ये इन्फॉर्मेशन यूज हो सकती है फैक्टर्स का पता लगाने में जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन पे असर पड़े, जैसे कि वर्कलोड कैसा है, वर्किंग आवर्स कैसे हैं, वर्क एनवायरमेंट कैसा है, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पे आ जाते हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस से क्या होता है ना, आप एक ऐसी जॉब डिजाइन कर सकते हो जो ज्यादा सेटिस्फाइंग है। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू जॉब एनालिसिस, एक ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन कर सकती है वो जॉब्स जो कि इम्प्लॉयज के लिए सेटिस्फैक्टरी है। तो आपको कुछ पता चला एनालिसिस के बाद कि ये चीजें हैं, एंड देन आप उसके बेसिस पे एक बहुत ही अच्छी जॉब प्रोस्पेक्ट्स, कई सारे पर्क्स के साथ या फिर कई सारी फैसिलिटीज या टाइमिंग, कुछ भी आप ऐसा डिजाइन करो जो लोगों के लिए सेटिस्फाइंग हो। जैसे अगर एक जॉब एनालिसिस से ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर टास्क या कोई काम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज आर नॉट लाइकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन शायद उसको रिकंसिडर करे कि हम इस टास्क को कैसे अच्छा बने। सपोज कोई बोलता है कि मुझे 2 घंटे रोज डेली डाटा एंट्री करनी होती है, लेकिन मुझे अपने जॉब में बस एक यही 2 घंटे अच्छे नहीं लगते, बाकी मैं जो काम करता हूँ वो अच्छे लगते, तो आप उसको कैसा इंटरेस्टिंग बनाओगे या क्या करोगे, ये सब कंपनियां कर सकती, ठीक है। नाउ जॉब सेटिस्फैक्शन कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ जॉब एनालिसिस सक्सेस। अगर एक चीज है, जॉब एनालिसिस अच्छे से हुआ है, ठीक है, तो जो रिजल्ट्स होंगी, जो जॉब्स होंगी, वो एम्प्लॉयज के लिए ज्यादा सेटिस्फाइंग होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर जॉब सेटिस्फैक्शन है वो हम यूज कर सकते हैं एज अ मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ जॉब एनालिसिस। कैसे यूज कर सकते हैं हम ये देखने के लिए कि जॉब एनालिसिस कितना सक्सेसफुल है। इफ एम्प्लॉयज आर मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स आफ्टर चेंजेस हैव बीन मेड बेस्ड ऑन जॉब एनालिसिस, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द जॉब एनालिसिस वाज सक्सेसफुल। तो अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, अपनी जॉब्स के साथ जब चेंजेस हुए हैं,
यानी कि सपोज किसी ने कोई काम में खुश नहीं था, लेकिन जॉब एनालिसिस करने के बाद आपके पास कुछ डाटा आया, आपने उससे जॉब में चेंजेस लाए, तो आप ये कह सकते हो कि आपका जो जॉब एनालिसिस था वो सक्सेसफुल हुआ, अगर उससे लोगों की प्रोडक्टिविटी या लोगों का काम करने का तरीका अच्छा हो रहा है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, जॉब एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग नीड्स। अगर आप एक जॉब को एनालाइज कर रहे हो तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज जो आपको जॉब परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करने में मदद करती है। एंड ऑब्वियसली अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये सब चीज़ें होंगी तो एम्प्लॉयज के अंदर वो स्किल्स अपने आप आएंगे, दे विल लर्न द सर्टेन थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड फाइनली अच्छा काम करेंगे तो इट विल लीड टू द जॉब सेटिस्फैक्शन। सो अगर मैं समरी में बोलूं, जॉब एनालिसिस एंड जॉब सेटिस्फैक्शन दोनों बहुत ही ज्यादा रिलेटेड हैं। अगर आप जॉब्स को एनालाइज कर रहे हो तो उसके बेसिस पे ना ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, कई ऐसे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है जो जॉब सेटिस्फैक्शन पे अफेक्ट डाले, एंड वो ऐसी जॉब्स डिजाइन कर सकती है जो एम्प्लॉयज के लिए सेटिस्फाइंग है। एडिशनली जॉब सेटिस्फैक्शन कैन बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ द सक्सेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अगर हम ध्यान से देखें तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो हम लोग यूज कर सकते हैं एक मेजर कि कितना अच्छा जॉब एनालिसिस हुआ है, क्योंकि सपोज आपने जॉब एनालिसिस करने के बाद जॉब सेटिस्फैक्शन में इंप्रूवमेंट देखा कि लोग बहुत हैप्पी हैं, ठीक है, दे आर बीइंग मोर पॉजिटिव, क्योंकि आपने इसमें एनालाइज करने के बाद जो डाटा आया था उससे चेंजेस किए, तो दैट मीन्स आपका जो ये जॉब एनालिसिस था ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल था, इट वॉज वेरी मच सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल भी बताता है, एंड जॉब एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे डायरेक्ट असर पड़ेगा जॉब सेटिस्फैक्शन, राइट। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हूँ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो टॉपिक है ये आपका जॉब एनालिसिस प्रॉपर एक करियर गाइडेंस प्लस आपकी एक यूनिट है जॉब एनालिसिस एंड ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स पे कवर हुआ है। नाउ दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या वीडियोस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, या डायरेक्टली मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए, आर्टिकल्स या जो भी नोट्स हैं वो आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेंगे, पेड नोट्स एंड प्रिंटेड नोट्स के ऊपर काम चल रहा है, वो कुछ टाइम बाद अवेलेबल होगा। एंड साथ के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक मोर सच वीडियोज, एंड अगर आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन आप दबा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब कब मैं वीडियो अपलोड करी। सो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।